मैं रेनू सिंह आज मैं आपको चिकन बिरयानी बताने की विधि बता रही हूँ। ये आपका बिरयानी का चिकन जो मैंने बाजार से ही कट करवा के लिए आई हूँ। अगर आप बड़े साइज में कट ये रहा तो आप कट कर लिया कर लेंगे। ये हो गया आपका बिरयानी का राइस, ये आलू प्याज लहसुन आदि हरा मिर्च, और ये आपका दही कलरफुल खड़ा ये मसाला जैसे कि दालचीनी लौंग हो गई, इलायची और सरसों का तेल। और इधर आपका ये मसाला में हल्दी जीरा धनिया पाउडर नमक स्वाद अनुसार तेज पत्ता, और इसमें आपको फ्लेवर के लिए गुलाब जल, ये आपका हुआ केवरा जल, ये आपका मीठा अतर जो बिरयानी में फ्लेवर का सबसे महत्व काम यही करता है। पहले मैं चिकन में 2 चम्मच दही डाली, उसके बाद लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट है वो मैं डाली, उसके बाद आपको इसमें हल्दी पाउडर धनिया पाउडर ये रहा आपका नमक जो आपको स्वाद अनुसार देना है, उसके बाद फिर इसमें 1 चम्मच तेल वो आपको सरसों का तेल है, फिर इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके दही जो है अच्छी तरह से सभी चिकन में मसाला लग जाना चाहिए, और फिर इसको मैं 30 से 40 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ये आपका बिरयानी चावल है जो 1/2 घंटा तक पानी में भिगो के रखना है। इसे अब 1/2 घंटा के लिए छोड़ देंगे। कढ़ाई को मैंने पहले हाई फ्लेवर में गरम करके फिर सरसों का तेल डाली हूँ, उसके बाद जो प्याज आगे काट के रखी थी वो आप कढ़ाई में देनी है। देखिए इसे डार्क ब्राउन इसे फ्राई करते रहना है जब तक वो पूरा डार्क कलर और ब्राउन कलर आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप जो आराम से कीजिए। अब ये प्याज देखिए कैसा चाहिए, औसा फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल के अलग किसी जगह रख दूंगा। अब ये जो तेल बची हुई है इसी तेल में मैं चिकन बना ले रही हूँ। थोड़ा सा आगे जीरा, फिर ये 2 तेज पत्ते, फिर ये प्याज बारीकी कटी हुई, थोड़ा सा पकने के बाद में इसमें मैं वो जो चिकन जो पहले से मसाला मिला के रखी हुई हूँ जो मैंने मैरिनेट करके रखी हुई हूँ वो चिकन मैं अब कढ़ाई में डाल दूंगी।
है थोड़ी सी मैरिनेशन ग्रेवी है। अब मैं इसे नॉर्मल फ्लेम में पकाना है, हाई फ्लेवर भी नहीं करना है और ना लो, मीडियम में। बस इसे अब हमें ढक के छोड़ देना है कम से कम 15 मिनट के लिए। आप 5 मिनट के बाद शिमला मिर्च का पाउडर थोड़ा कलर के लिए डालनी है। ये देखिए, और 5 मिनट मैक्सिमम 5 से 7 मिनट लेके चलिए। ये वाली है, देख लीजिए। ये मैंने पैन को गरम कर ली हूँ, उसके बाद थोड़ा सा तेल, वो सरसों का तेल जो है वो हमने दी। उसके बाद आपको जो आलू, जो मैंने ये इस साइज, एक आलू को 2 साइज में काट के रखी हूँ, जो आप देख सकते हैं। फिर इस आलू को मैंने क्या किया, इस पैन में जो तेल डाली हूँ उसमें इसे हल्का फ्राई करना है। ये देखिए, आपको इतना थोड़ा सा हाफ फ्राई होने के बाद इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। उसके बाद इसमें आपको थोड़ा सा फ्रूट कलर है जो, ये आपको इसमें हल्का सा देना है। वो आलू को एक अपना कलर जो देखिए आप इस टाइप का कलर हो जाएगा। उसके बाद इसको आप ढक दीजिए मीडियम आंच पर। अब ये 15 मिनट हो गया है, उसके बाद आप देखिए। हो गई है, अब इसे मैं गैस को बंद कर दूंगी। अब मैंने एक बर्तन में पानी चढ़ा दी हूँ, उसके बाद इसमें आपको वो बिरयानी चावल के लिए, अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक जो चावल में इसी टाइम पूरा अच्छा से मिल जाती है। उसके बाद इसमें आपको खड़ा मसाला जो होता है, जैसे कि बड़ी दालचीनी, इलायची, लौंग, ये आपको सारा एक कपड़ा में बांध के इस पानी में, इस पानी के अंदर देना है, क्योंकि गरम मसाला का पूरा फ्लेवर उस चावल में आ जाए। साफ कपड़ा है वो। थोड़ा सा इसमें घी भी देनी होती है।
स्टार्ट। ये जो मैंने बिरयानी के चावल के लिए आगे पानी जो रखी डाली हुई थी, इसमें आप ये चावल जो पहले मैं पानी में भिगो के रखी थी जो पानी फेंक दिए है, और उसके बाद ये चावल को इसमें को देना है। इसे हल्का सा हिला देना है, और आपको ये ध्यान रखनी होगी कि बार बार इसे हिलाने से वो चावल टूट जाती है। बस आप इसको अब उबलने का इंतजार कीजिए। ये अब मैं आलू के लिए इधर जो मैंने पहले आलू को फ्राई करके पानी या थोड़ा सा कलरफुल डाल के ये रखी थी, हाँ थोड़ा सा नमक भी, ये हो चुकी है। अब इसे मैं इस गैस को बंद करके, और इस साइड आप देखिए इधर आपका वो बिरयानी का चावल हो गई। आप चावल पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि चावल हमेशा पूरा पकना नहीं चाहिए, कम से कम 75% और 25% आपका कच्चा रहना चाहिए थोड़ा सा। बस चावल भी हो गई है, अब इसे मैं हटाऊंगी। चावल के छानने के लिए एक बड़ा सा आपको प्लास्टिक का हो स्टील का हो, मेरे पास तो प्लास्टिक का, इसीलिए मैं इसी को यूज कर रही हूँ। इसके ऊपर एक साफ कपड़ा आप रख दीजिए। अब ये चावल को मैं इसमें डाल रही हूँ। ये जो गरम मसाला मैं पहले बांध के डाली थी उसे आप निकाल दे रही हूँ। अब ये टोटल मैंने जो सब करके रखी हूँ, अब इसे दम लगाने के लिए सजाना है। पहले चावल का लेयर इसके ऊपर ये इस तरह हमें सजाना है इसके ऊपर। ये आपका हो गया चावल, और उसके बाद आपको प्याज, उसके बाद जो चिकन मैंने पहले वो जो करके रखी हूँ इसे, ये हरी मिर्च, ये आलू, उसके बाद ये बिरयानी मसाला है जो पहले से मैंने बना के रखी हूँ। गुलाब जल, फिर केवड़ा, ये जो केवड़ा का जल,
ये आपका फ्रूट कलर है, इसमें एक चम्मच अनुसार आपको दूध डालनी है, बस एक से डेढ़ चम्मच। उसके बाद आपको इसमें एक साइड से आपको कलर इसके बाद आपको वो जो मीठा अतर जो मैंने आपको ये बताई थी मीठा अतर हाफ उसके बाद फिर से फिर वो लेयर करना है बस से प्रोसेस जैसे आगे मैं की थी। अब ये जो लास्ट प्रोसेस के बाद आपको घी, ऐसे तो आप ज्यादा घी डाल सकते हैं पर हम लोग ज्यादा नहीं यूज कर रहे हैं, बस ये हो गई। उसके बाद लास्ट में आपका ये डाल के अब इसे दम लगाना है, जो मैंने पहले के ऊपर हीट करके रख दी हूँ। बस डायरेक्ट आप उसको गैस के ऊपर नहीं, पहले तावा को गर्म कर दीजिए हाई फ्लेवर में, फिर उसके बाद एकदम मीडियम करके उसके बाद आप ये जो बिरयानी का ये किए हुए वो चढ़ाइए। उसके बाद उसको ऊपर से ये करना है। ये करने के बाद इसे दम देना है अब हमको मैक्सिमम 10 से 15 मिनट। फिर इसको आप पूरा इस तरह ढक कर देना है, इसका ऊपर से एक भारी चीज रखिए। हाँ ये ध्यान रखिएगा कि साइड से आपका गैस ना निकले। बस ये आपका बिरयानी रेडी हो गई है, आप देखिए एक साइड से आप अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।